राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों से ज्ञान और दक्षता के अतिरिक्त विद्यार्थियों को मानवता और नैतिक शिक्षा भी प्रदान करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों का स्तर सुधारने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कहा, संस्थानों को बेहतरीन फैकल्टी तैयार करने, शिक्षा का स्तर सुधारने और अनुसंधान को बढ़ावा देने में करनी होगी पहल। दिल्ली में 16 दिसंबर को लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू। पुलिस ने पूरक आरोप पत्र दायर किया, पीड़ित लड़की की शव परीक्षण रिपोर्ट भी सौंपी। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेला 2013 के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिकी भारत 2013 का विमोचन किया और साथ ही रोजगार समाचार का उर्दू संस्करण भी आम लोगों के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रोजगार समाचार का उर्दू संस्करण प्रकाशन विभाग के लिए एक गर्व की बात है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता के चलते राजस्व विभाग के लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर के लक्ष्य को प्राप्त करना काफी चुनौती भरा होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए रॉक बैंड को धमकाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की। बैंड के खिलाफ फतवे की हुई चौतरफा निंदा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिलाया सुरक्षा का भरोसा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने प्रकाश बैंड पर जारी किए फतवे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी दलों ने इस पर विरोध जताया, साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा कि DRDO को अपने उत्पाद समय पर सेना को मुहैया कराने चाहिए। उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट उद्योगों को कहा कि वे तकनीक और अनुसंधान में निवेश करें, तभी वे विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनियों से कर पाएंगे मुकाबला। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। इलाके में एक बार फिर से ठंड लौटी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की है संभावना। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स में 91 अंकों की कमी, 19,660 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 30 अंकों की कमी, 5,957 पर हुआ बंद। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वे 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान के लिए एक शांति समझौता करने की करेंगे कोशिश। अफगानिस्तान में शांति को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून की अगुवाई में हुई इस बातचीत में जरदारी और करजई ने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा को लेकर अभियान चलाने वाली पाकिस्तान की स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई का ब्रिटेन के एक अस्पताल में सिर का हुआ सफल ऑपरेशन। ऑपरेशन से ठीक पहले मलाला ने एक इंटरव्यू में लड़कियों की शिक्षा के लिए अपना अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। अफ्रीकी देश माली में इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ युद्धरत फ्रांस ने देश के उत्तरी हिस्सों में सोमवार को हमले तेज किए। इस लड़ाई में फ्रांस के साथ उतरते हुए ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को माली भेजने का किया फैसला। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत की श्रीलंका से मुंबई में टक्कर। श्रीलंका ने टॉस जीतकर की पहले बल्लेबाजी। दोनों टीमों के लिए है ये मैच जीतना बेहद जरूरी।